एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज दुनिया के अंदर आजकल बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं ये तब्दीलियाँ मालियाती भी हैं ये तब्दीलियाँ मौशी लिहाज से भी हो रही हैं और बाज़त बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर के कोई ना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो माइग्रेट करने पर मजबूर हुए हैं तो वी कैन से दैट सोशल चेंज कम्स फ्राम टू सोर्सेज वन सोर्स इज रेंडम और यूनिक फैक्टर सच एज़ क्लाइमेट वेदर और द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अब इससे क्या मुराद है क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने सर्टन पैटर्न से दे फील सेटिस्फाइड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल सोर्सेज they come and they convince towards the adaptability of social change। तो ये normally इसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं ख़ास तौर पर जो आज कल की दुनिया के अंदर क्लाइमेट के हवाले से मसला फसलों की नेचर जो है वो तब्दील हो रही है एग्रीकल्चर पर इफ़ेक्ट हो रहा है क्लाइमेट का बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर के पानी की अवेलेबलिटी क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी इज बिकमिंग द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर द ह्यूमन लाइफ अगर पानी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू तो द इम्पैक्ट एंड इंफ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज देंट डेफिनेटली द पीपल हैव टू तो अडोप्ट न्यू सर्टन चेंजेस इन देयर लाइफ अब या तो ये है कि वो वहीं रहते हुए हुकूमतें उनको वो चीज़ें महैया करें या वो उस जगह से किसी दूसरी जगह जाकर अपनी लाइफ के अंदर आने वाली सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर लें इसके साथ साथ किसी जगह पर किसी ख़ास ग्रोह की मौजूदगी भी लोगों को मजबूर करती है कि वो उस इलाके से माइग्रेट करके किसी दूसरे इलाके में जाकर सेटल हों या वो मौजूदगी लोगों की जिंदगियों के पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर देती है मसलन हम मिसाल दे सकते हैं कि अफग़ानिस्तान के अंदर जब कुछ अर्सा पहले तालिबान की हुकूमत आई और उन्होंने अपने मजहबी अकायद को वहाँ के लोगों पर प्रैक्टिस करना शुरू किया तो अंडर देयर प्रैक्टिस वहाँ के लोगों की जो सोशल लाइफ थी उसके अंदर चेंज आ गई वो पैटर्न जो ख़ोतन से मुतल या वो पैटर्न जो एजुकेशन से मुतल या वो जो डेली लाइफ रूटीन के बारे में थे उसकी वजह से लोगों की ज़िंदियाँ मुतासर हुई ऐसे ही पाकिस्तान के केस में ख़ास तौर पर सवाद या वज़ीस्तान के इलाकों में जब कुछ लोगों की मौजूदगी की वजह से वहाँ के मुकामी लोगों की जिंदगियाँ तब्दील हुई तो दे आर द ग्रेटर एग्जाम्पल्स ऑफ द इंफ्लुएंस ऑफ अदर पीपल ऑन द सोशल लाइफ ऑफ़ द पॉपुलेशन ऑफ दोज एरियाज फिर वी कैन से एन अदर सोर्स सिस्टमेटिक फैक्टर्स यानी कुछ तो रेंडम आ जाते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन कुछ सिस्टमैटिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे sometimes the role of government sometimes the availability of resources and the social organization of society if the government wants to improve the social life of a society then definitely government tries to introduce some reforms some certain policy measures regarding this social change but in some cases in the presence of some social organizations

टू गेट द एजुकेशन तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों की जो सोशल लाइफ है उसके जो स्टैंडर्ड एग्जस्टिंग पैटर्नस होते हैं उनमें चेंज आ जाती है अक्सर उकात ये चेंज पॉजिटिव होती है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ़ द फैक्टर उस फैक्टर ने जिंदगी को कैसे मुतासर किया क्या वो फैक्टर पॉजिटिव था तो डेफिनेटली चेंज जो है वो पॉजिटिव साइड पर जाएगी लेकिन अगर उस फैक्टर का रोल नेगेटिव था और उसने लोगों की जिंदगियों को मनफी तरीके से मुतासर किया तो जाहिर है वो जिंदगी जो लोग पहले गुजार रहे थे जब उसमें नेगेटिव चेंज आएगी तो लोग क्या करेंगे दे विल फील अनसेटिसफाइड एंड अनसर्टन एंड ड्यू टू दैट अनसरटनिटी ड्यू टू दैट अनहेपीनेस द कॉन्फ्लिक्ट विल अरइज विद इन द existing environment and in the society.